हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। तो बेटा, आज फाइनली आपकी चीट शीट सीरीज का लास्ट लेक्चर आपके पास आने वाला है, विच इज ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जिनको नहीं पता, मैं बता दूं, हमारी एक बहुत अमेजिंग सीरीज चल रही थी, क्योंकि आज हम उसके लास्ट लेक्चर पे हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम इसमें रिवाइज कर रहे थे बायोलॉजी चीट शीट नाम से। बहुत से बच्चों को इससे हेल्प हुई है, बच्चों ने कमेंट सेक्शन में पर्सनल मैसेजेस कर कर भी बताया है कि किस तरीके से एक एनसीईआरटी को नए वे में देखने को उनको मिला और अपनी गलतियां ढूंढने में मदद हुई है। बेटा, अगर अभी इस टाइम आपके पास टाइम कम है, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। t.me/anandmani001 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, और ये सारे 38 चैप्टर्स का PDF आपको वहां पर मिलेगा, है ना। सारे हर तरीके के क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेंगे, उसको डाउनलोड करो, सॉल्व करो। कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी आप अड़ते हैं, आपको कन्फ्यूजन होता है, आप वीडियो रेफर कर सकते हैं। ये पूरी चीट शीट की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी चैनल पर, तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करो, है ना। तो बहुत बढ़िया सीरीज है, क्योंकि लाइन बाय लाइन बेटा, अगर आप इस टाइम भी अपने साथ एनसीईआरटी खोलेंगे तो आप देख पाएंगे कि कोई भी लाइन एनसीईआरटी की मिस नहीं हो रही है। इतने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकते हैं आपको देखने को इस सीरीज में मिल जाते हैं। और जो बच्चे स्टार्टिंग से मेरे साथ ये सीरीज फॉलो कर रहे थे, आज फाइनली हम लोग लास्ट चैप्टर साथ में करने वाले हैं, विच इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपकी प्लांट फिजियोलॉजी का भी आखिरी चैप्टर है, आपकी सीरीज का भी आखिरी चैप्टर है। तो कोशिश करनी है कि अब हम फाइनली सिली मिस्टेक जीरो को अटेन कर पाए। हमें जीरो सिली मिस्टेक चाहिए, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। मिस्टेक नोटबुक खोल लो, ताकि कुछ गलती करो तो लिख पाओ, लेकिन कोशिश करना है कि जीरो से ले मिस्टेक करें, और मेरे साथ सारे सही आंसर्स देने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, डेवलपमेंट इज, दो हिस्से हैं ना इस चैप्टर के, एक ग्रोथ एक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है बेटा? ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन को आप डेवलपमेंट बोलते हो, आंसर होगा सी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ग्रोथ ऑफ लिविंग बींग। डेफिनेशन क्या है ग्रोथ की? कि ये परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन वेट, तो है तो तीनों चीजें, है ना, परमानेंट है, इरिवर्सिबल है, इंक्रीज इन साइज वेट इसके अंदर आता है, आंसर होगा डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्वेलिंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड। ये क्वेश्चन पूछे एनसीईआरटी ने पैराग्राफ में, कि क्या जो अगर मैं एक वुड के लकड़ के पीस को पानी में रख दूं और वो स्वेल कर जाए, क्या इसको आप ग्रोथ मानोगे? नहीं, ना ही ये ग्रोथ है, ना ही ये डेवलपमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों बेटा? जो वुड स्वेल कर रही है उसमें वेट वेट इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ सिर्फ इंक्रीज इन ड्राई वेट होता है, याद रखना। ड्राई वेट में इंक्रीज होने को आप ग्रोथ कंसिडर करते हो, वेट वेट नहीं। और पानी अंदर जाएगा तो वेट वेट इंक्रीज होगा, वो ग्रोथ नहीं है, वो ग्रोथ नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, प्लांट ग्रोज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। प्लांट की ग्रोथ को हम बोलते हैं ओपन ग्रोथ, है ना, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट वर्ड यूज करते हैं, इनडिटर्मिनेट वर्ड या ये ओपन वर्ड हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्या प्लांट की ग्रोथ लिमिटेड टाइम के लिए है? नहीं, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं, बहुत छोटे टाइम के लिए नहीं, थ्रू आउट द लाइफ है, अनलिमिटेड टाइम के लिए ग्रोथ है। कुछ ना कुछ मेरिस्टमैटिक सेल्स हैं जो हमेशा डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, द गिवन फिगर शोज। अब ये डायग्राम अगर आप एनसीईआरटी का देखोगे, आपको एपिजियल जर्मिनेशन यहाँ पर दिखा रखे, जर्मिनेशन दिखा रखे, डेवलपमेंट दिखा रखे बीन में। अब आपके पास जो क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट एनसीईआरटी से आएगा, है ना, वहां पर आपने एपिजियल जर्मिनेशन ही देखा है। यहाँ हालांकि हाइपोजियल दिखा रहे हैं, बट हमने बीन का जर्मिनेशन देखा है, ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर करते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्लांट ग्रोज थ्रू आउट द लाइफ। प्लांट की ग्रोथ हमेशा चलती रहती है, इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट है। तो प्लांट की ग्रोथ को हम इनडिटर्मिनेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुछ मेरिस्टमैटिक सेल्स हैं रूट के टिप पे, शूट के टिप पे, जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। तो आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ को ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ भी बोला जाता है। कंटिन्यूअस डिविजन इन ऑल सेल्स फॉर्मिंग न्यू सेट ऑफ सेल्स विच डिवाइड फर्दर नेसेसरीली, ऐसा नहीं है बेटा, है ना, ओपन ग्रोथ जरूर है, बट कुछ सेल्स होते हैं जो नए सेल्स बनाते हैं, जो आगे हो सकता है डिवाइड ना भी करे, डिफरेंशिएट भी कर जाए, बट कुछ ऐसे सेल्स हैं जो नए सेल्स बनाते हैं, और जो नए सेल बने हैं वो हो सकता है अपनी डिविजन एबिलिटी रखे और हो सकता है परमानेंट हो जाए, लेकिन क्योंकि कुछ सेल्स हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, इसीलिए आप ओपन बोलते हो। ये ऑल वर्ड बोलना गलत है, तो करेक्ट आंसर बी होगा, करेक्ट आंसर बी होगा। नो डिविजन हो नहीं सकता, सम सेल्स इंजरी पर, ये तो हम एनिमल्स में देखने को मिलता है, हमारी ग्रोथ ओपन नहीं है, है ना, ये तो एनिमल्स में देखने को मिलता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर एट, सेकेंडरी ग्रोथ डज अकर इन। सेकेंडरी ग्रोथ अगर आप इस चैप्टर में भी देखो, वैसे आप एनाटॉमी में भी पढ़ चुके हो, आपको मिलता है डाइकोट में, तो हर एंजियोस्पर्म में तो आपको मिलता नहीं, तो ये तीन ऑप्शन एलिमिनेशन से ही कट गए। ऑल में भी नहीं मिलेगा, नो में भी नहीं मिलेगा, सम एंजियोस्पर्म में मिलता है, आंसर भी हो जाएगा, सिर्फ डाइकोट्स में होता है, मोनोकोट्स में नहीं होता, और जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, आंसर होगा बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन, सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट मीन,
सेकेंडरी ग्रोथ में लेंथ कभी नहीं बढ़ेगी बेटा, गर्थ बढ़ता है, लेंथ बढ़ती है प्राइमरी ग्रोथ में, गर्थ और डायामीटर बढ़ता है सेकेंडरी ग्रोथ में। आपसे पूछ रहे हैं क्या सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, ये दोनों सेकेंडरी ग्रोथ है, ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, ये प्राइमरी ग्रोथ है। इसमें लेंथ बढ़ रही है ना, ये प्राइमरी ग्रोथ है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10। ये डायग्राम फिर से एनसीईआरटी का, हमने ऑल इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वाली वीडियो में भी देखा है, अगर आप को बहुत सारे डायग्राम्स एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम रिवाइज करना है आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो वहां पर मैंने आपको बताया था दोनों टिप पर तो आपको एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा, शूट की टिप पे आपको शूट एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा, रूट की टिप पे आपको रूट एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा। थोड़ा सा उससे आप प्रॉक्सिमल जाएंगे तो आपको वेस्क्यूलर कैम्बियम दिखाई देगा जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, वहां आपको वेस्क्यूलर कैम्बियम दिखाई देगा। तो वन आपके पास रूट एपिकल मेरिस्टेम है, टू आपके पास शूट एपिकल मेरिस्टेम है, और थ्री आपके पास वैस्क्यूलर कैम्बियम है। आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11, 11 पे है हम, है ना, 10 हमने किया, 11 पे है हम, राइट राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ग्रोथ को कैसे मेजर करते हैं। तो एक पैराग्राफ है, इज ग्रोथ मेजरेबल, है ना, कैन ग्रोथ बी मेजर्ड। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज ही बताइए कि आपको एक सेल की अगर ग्रोथ देखनी है तो प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, लेकिन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म सेल्यूलर लेवल पर मेजर करना मुश्किल होता है। तो हम अलग अलग पैरामीटर से ग्रोथ मेजर करते हैं, जैसे ड्राई वेट देख लेंगे, सेल नंबर में इंक्रीज देख लेंगे। प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ होना, अमाउंट बढ़ना ग्रोथ है, ठीक है, लेकिन हम इसको मेजर नहीं कर पाते। मेजर हम कौन सी चीजें कर पाते हैं, जैसे ड्राई वेट, जैसे सेल नंबर। तो आंसर क्या होगा, डी। देखो एक एक लाइन एनसीईआरटी की समझ में आना और याद होना बहुत जरूरी है, और इतने सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से यही एनडीए बनाएगा और क्या बनेगा, इससे ज्यादा बन ही नहीं सकता बेटा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12, फिर से मैच द फॉलोइंग आ रहा है आपके पास। अच्छा मेज, ये दो एग्जाम्पल पीवाईक्यू है, आपको याद रखना है। मेज का जो एग्जाम्पल है प्लांट ग्रोथ का, है ना, प्लांट ग्रोथ का मेजरमेंट, आप किस तरीके से मेजर करते हो ग्रोथ। तो मेज में एक सेल से 17,500 न्यू सेल पर आर, एक घंटे में 17,500 नए सेल बने थे। तो मेज में जो ग्रोथ है सेल नंबर इंक्रीज होता है। फिर आया वाटरमेलन, वाटरमेलन के जो सेल है उनका साइज बड़ा होता है, उनका प्रोटोप्लाज्म बड़ा होता है। तो वहां पर जो सेल का साइज है वो 3,50,000 गुना 3,50,000 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो वाटरमेलन में सेल का साइज इंक्रीज होता है। पोलन ट्यूब जर्मिनेट करती है तो उसकी तो लेंथ बढ़ती है, और डोर्सी वेंट्रल लीफ जो आपको डाइकोट में देखने को मिलती है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है ना, सरफेस एरिया। इस तरीके से जो पहली लीफ ऐसी थी वो लीफ ऐसी हो जाएगी, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1, 2, यानी कि ए, आंसर क्या आएगा ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, तीन फेजेस ऑफ ग्रोथ होती हैं, कौन कौन सी, मेरिस्टमैटिक, एलोंगेशन, मैच्यूरेशन। करेक्ट ऑर्डर भी बताना है आपको, पहले मेरिस्टमैटिक, फिर एलोंगेशन, फिर मैच्यूरेशन। आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। आगे देखिए 14, सेल्स इन मेरिस्टमैटिक फेज ऑफ ग्रोथ स्मॉल न्यूक्लियाई बिल्कुल नहीं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें पहला पॉइंट ये है कि कॉन्स्पिक्यूस न्यूक्लियाई, काफी वैलिड, काफी बड़ा न्यूक्लियाई, छोटू न्यूक्लियाई नहीं होता। लो प्लाज्मोडेसमेटल कनेक्शंस, अगेन गलत, अच्छी खासी प्लाज्मोडेसमेटल कनेक्शंस होती हैं मेरिस्टमैटिक ग्रोथ में, प्राइमरी सेल वॉल है ना। थिक सेल वॉल, जी नहीं, थिन सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल है। रिच इन प्रोटोप्लाज्म, जी हाँ, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। तो जो मेरिस्टमैटिक के सेल्स हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म, लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस, अच्छा खासा प्रोटोप्लाज्म और थिन सेल वॉल, ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। रिवाइज हो गया हमें, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, फेज ऑफ मैच्यूरेशन, बेटा सबसे पहले मेरिस्टमैटिक, मेरिस्टमैटिक के प्रॉक्सिमल में आता है एलोंगेशन, एलोंगेशन के प्रॉक्सिमल में आता है मैच्यूरेशन। अगर आप रीजन्स ऑफ ग्रोथ बनाओ रूट के अंदर भी, हमने पढ़ा था इसको, है ना, रीजन्स ऑफ ग्रोथ रूट के अंदर भी, तो यहाँ पर अगर रूट आपका कैप है तो यहाँ पर मेरिस्टमैटिक जोन है, उससे थोड़ा सा पीछे एलोंगेशन जोन, अवे फ्रॉम टिप, टिप से आप दूर जाओगे, और यहाँ पर आपका मैच्यूरेशन जोन आएगा जहाँ रूट हेयर होते हैं। ठीक है, तो मैच्यूरेशन जोन कहाँ है, एलोंगेशन के प्रॉक्सिमल, ये पोजीशन पूछी जाती है अलग अलग वे में। तो किसके प्रॉक्सिमल है, एलोंगेशन जोन के प्रॉक्सिमल है, टुवर्ड्स द टिप नहीं है, अवे फ्रॉम टिप है, टुवर्ड्स द टिप नहीं है, अवे फ्रॉम टिप है। आंसर बी होगा, आंसर बी होगा। आगे देखें 16, वैक्यूलेशन, ये मैं पढ़ाते वक्त भी बताती हूँ बेटा, वैक्यूल का साइज बड़ा होना करेक्टरिस्टिक फीचर है एलोंगेशन के टाइप का, वैक्यूल का साइज बड़ा होना, कौन सी फेज होगी, पक्का एलोंगेशन होगी, ये तो एकदम की वर्ड है पहचानने के लिए कि जब वैक्यूल बड़ा तो एलोंगेशन फेज। आंसर क्या होगा, सी। आगे देखो 17, थिकेस्ट सेल वॉल,
मेरिस्टमैटिक से मैच्योरेशन, मैच्योरेशन से एलोंगेशन, लगातार सेल वॉल थिक होती रहती है, थिकनेस बढ़ती रहती है, और सबसे ज्यादा थिकनेस होती है आपके मैच्योरेशन फेज में, मैच्योरेशन फेज में मैक्सिमम थिकनेस होती है, ठीक है। अच्छा आगे आओ, ग्रोथ रेट की बात हो रही है, इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इसे ही हम ग्रोथ रेट कहते हैं। ग्रोथ रेट क्या होता है? ग्रोथ पर यूनिट टाइम, कितनी ग्रोथ पर यूनिट टाइम हो रही है उसे ही आप ग्रोथ रेट कहते हो, आंसर होगा। आगे देखिए 19, अब ये फिगर आपको दे रखा है, ये ग्रोथ रेट आप दो तरीके की पढ़ते हो, एक आप पढ़ते हो अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, एक आप पढ़ते हो जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। इस ग्रोथ में देखो एक सेल डिवाइड कर रहा है, दूसरा स्टॉप कर दे रहा है डिवीजन, वो नहीं कर रहा पर दूसरा सेल डिवाइड कर रहा है, हर बार डिवीजन में एक सेल डिवीजन छोड़ दे रहा है और दूसरा डिवाइड कर रहा है, ये कौन सी ग्रोथ है बेटा? ये अरिथमेटिक ग्रोथ है। कौन सी ग्रोथ है? ये अरिथमेटिक ग्रोथ है। अरिथमेटिक ग्रोथ को आप कौन से फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हो? एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, क्योंकि ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ये कॉन्स्टेंट ग्रोथ दिखाता है ना। तो अब इसको आइडेंटिफाई करो, ये अरिथमेटिक ग्रोथ है, जियोमेट्रिक वाले ऑप्शन कट कर दो, अरिथमेटिक ग्रोथ है और उसके अंदर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? एल टी इज एल नॉट प्लस आर टी, आंसर क्या होगा? सी, आंसर क्या होगा? सी, बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, जैसे आपने ये डायग्राम देखा वैसा दूसरा डायग्राम जो बना हुआ है कि हर सेल डिवाइड कर रहा है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, लगातार डिवीजन हो रहा है, इसे हम जियोमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। और जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी, डब्ल्यू एच टी इज डब्ल्यू ओ इंटू ई की पावर आर टी, की टी टाइम पे वेट जो है वो जीरो टाइम पे वेट इंटू ई की पावर आर टी, तो ये जियोमेट्रिक ग्रोथ है। और फॉर्मूला क्या है? डब्ल्यू टी इज डब्ल्यू नॉट इंटू ई की पावर आर टी, आंसर होगा बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, कब एरिथमेटिक ग्रोथ देखने को मिलती है, कब जियोमेट्रिक ग्रोथ देखने को मिलती है, इसको लेकर भी एक डायग्राम आपको दिखाया हुआ है। तो जैसे बेटा आपके पास जायगोट है, सिंगल सेल है ना, अब वो जायगोट शुरू करता है क्लीवेज, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, तो जब जब एम्ब्रियो बन रहा है, क्लीवेज लगातार हो रहा है, तब जियोमेट्रिक ग्रोथ है। एक बार प्लांट की डेवलपमेंट हो गई तो सिर्फ कुछ सेल्स, जैसे टिप के अंदर मेरिस्टमैटिक सेल्स प्रेजेंट है, वो एरिथमेटिक ग्रोथ दिखाते हैं, उनके सेल्स एरिथमेटिक ग्रोथ दिखाते हैं। तो आंसर क्या होगा? वन, एरिथमेटिक ग्रोथ है, नहीं, वन तो जाइगोट है तो ना एरिथमेटिक है ना जियोमेट्रिक है, टू एरिथमेटिक है, नहीं, टू जियोमेट्रिक है, जी हाँ, आंसर होगा डी, जो सेकंड है वो जियोमेट्रिक है, आंसर होगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, आपको करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शन बताना है फॉर साइज और वेट ऑफ ऑर्गन अगेंस्ट टाइम। अच्छा तो फॉर्मूला हमें दे रखा है, W1 इज W नॉट, W1 इज W नॉट इनटू e की पावर RT, LT इज L नॉट प्लस RT, लीनियर ग्रोथ कर्व, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, अरिथमेटिक ग्रोथ एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ। बेटा एक साथ आपको चीजें ज्वाइन करनी है इस क्वेश्चन में ना, बढ़िया क्वेश्चन। जैसे अगर मैं डब्ल्यू टी इज डब्ल्यू नॉट इंटू ई की पावर आर टी की बात करूं, वन, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जियोमेट्रिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, यानी सिक्स, ठीक है। और जियोमेट्रिक ग्रोथ का अगर आप कर्व बनाओगे तो आपको उसमें सिग्मोइड कर्व, एस शेप्ड ग्रोथ दिखेगी, है ना, आपको सिग्मोइड कर्व या एस शेप्ड ग्रोथ दिखेगी, यानी कि फोर। वहीं अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लूँ, एल टी इज एल नॉट प्लस आर टी, ये आपको पता है अरिथमेटिक ग्रोथ है, और अरिथमेटिक ग्रोथ में हमें लीनियर ग्रोथ रेट दिखाई देती है। तो किसी ऑप्शन में क्या टू, फाइव और थ्री एक साथ है? किसी ऑप्शन में क्या टू, फाइव और थ्री एक साथ है? नहीं है। बट क्या किसी ऑप्शन में वन, सिक्स और फोर एक साथ है? है, वन, सिक्स और फोर एक साथ है, आंसर सी होगा। ये दिया होता किसी ऑप्शन में, ये तो सही है ही बेटा, ये भी दिया होता किसी ऑप्शन में, वो भी सही होता है, ठीक है। तो आपको ढूंढना था मैच, एक पूरा ग्रुप बनाना था आपको, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, तीन फेज होते हैं सिग्मोइड ग्रोथ के, यानी कि आपके जियोमेट्रिक ग्रोथ के। इस तरीके से आपका सिग्मोइड कर्व बनता है, पहले आता है लॉग फेज, फिर आता है पहले आता है लैग फेज, फिर आता है लॉग फेज, और फिर आता है स्टेशनरी फेज, है ना। तो वो तीनों फेज का करेक्ट ऑर्डर क्या है, आपको करेक्ट ऑर्डर भी बताना है। सबसे पहले लैग, फिर लॉग, फिर स्टेशनरी, आंसर होगा सी। लैग, लॉग, स्टेशनरी, आंसर होगा सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, अब ये फॉर्मूला वापस आ गया आपके पास, आपको पता है ये जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये रिलेटिव ग्रोथ रेट है? नहीं, आपसे आर पूछ रहे, आर क्या है? आर ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, रिलेटिव ग्रोथ रेट को नहीं, एफिशिएंसी इंडेक्स को नहीं, एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल नहीं, न्यू प्लांट, है ना, एक सेल, मतलब सेल का डिवीजन ये शो कर रहा है, सेल का डिवीजन ये शो कर रहा है। सी फिर भी हो सकता है, ठीक है, प्लांट मटीरियल सी फिर भी हो सकता है, ऑल ऑफ दीज तो मुझको नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि रिलेटिव ग्रोथ रेट तो है नहीं, सिर्फ ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस एफिशिएंसी से ग्रो हो रहा है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, तो उस हिसाब से ऑल ऑफ दीज चूज करना पड़ेगा। बट रिलेटिव ग्रोथ रेट और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो अलग चीज होती है, ये जो आर है ये रिलेटिव ग्रोथ रेट नहीं है, ग्रोथ रेट दिखा रहा है किस एफिशिएंसी से नया प्लांट मटेरियल बन रहा है,
ऑल ऑफ दीज नहीं जाना चाहिए बेटा, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ज्यादा करेक्ट आप सी को मार्क कर दो, वो ज्यादा ठीक है, सी को मार्क करना यहाँ पे ज्यादा ठीक है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने तो ग्रोथ रेट ही लिखा हुआ है आर को, है ना, अलग अलग न्यूमेरिकल किसको रिप्रेजेंट करता है बताया, तो वो ग्रोथ रेट ही लिखा है इसको। रिलेटिव ग्रोथ रेट और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट अलग चीज होती है, वो आर नहीं है, वो आर नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है करेक्ट सी होना चाहिए उस हिसाब से। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25, अब ये फेमस द फेमस लीफ वाला एग्जाम्पल जिससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते भी हैं, इसमें आपको एनसीईआरटी एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट दोनों बताती है। जैसे मैं इस ए वाली लीफ को लूँ तो इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है, 10 - 5 5 है। अगर मैं इस बी वाली लीफ को लूँ इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट भी 5 है, 55 - 5। इस ए वाली लीफ का रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है, 5/5 × 100, आप अपॉन इनिशियल इंटू 100 करते हो तो वो हो जाएगा कितना, 5/5 × 100, यानी कि 100%। और इस वाली लीफ का अगर मैं रिलेटिव ग्रोथ रेट लूँ तो 5/50 × 100, वो हो जाएगा 10%। रिलेटिव ग्रोथ रेट हमेशा परसेंटेज में आती है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट यूनिट होती है, ठीक है। अच्छा तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट दोनों की सेम है, दोनों की 5 ही है, एक्चुअली कितना ग्रो किया वो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है, तो ए की ज्यादा नहीं है बी की ज्यादा नहीं है क्योंकि दोनों की सेम है। रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है वो ए की ज्यादा है, रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है वो ए की ज्यादा है, आंसर सी होगा, वो ए की ज्यादा है, आंसर सी होगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 26, द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ कैन बी वॉटर, टेम्परेचर, लाइट, ग्रेविटी, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, सब कुछ, सारे ही फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वाटर, टेम्परेचर, लाइट, ग्रेविटी, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, आंसर होगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27, ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म में। एनसीईआरटी की लाइन रीड करोगे तो एक सेल अब मेच्योर हो गया, उसको पता है उसको क्या काम करना है, वो डिफरेंशिएट कर चुका है, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, सेल वॉल थिक हो जाती है, प्रोटोप्लाज्म अपना फंक्शन ले लेता है ना, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म में, ये चीज स्टार्टिंग में भी बताइए, ये चीज ये जो डिफरेंशिएशन वाला पैराग्राफ है उसमें भी बताइए, आंसर सी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28, डी डिफरेंशिएशन कैन बी सीन इन द फॉर्मेशन ऑफ, डी डिफरेंशिएशन से मतलब जो सेल पहले पेरेंट का था वो वापस मेरिस्टमैटिक हो चुका है। दो एग्जांपल एनसीईआरटी आपको देती है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम, तो इंट्रा नहीं, वो तो पहले भी था, इंट्रा नहीं इंटर, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम, तो आंसर होगा सी, पूरा वेस्क्युलर कैम्बियम तो नहीं, कुछ पहले का बना हुआ है ना, तो आंसर होगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29, कुछ स्टेटमेंट आपके पास है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपसे क्या पूछ रहे हैं कितने स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। कोर्क कैम्बियम इज अ लेयर ऑफ मेरिस्टम फॉर्म्ड फ्रॉम पेरेनकाइमा, जी हाँ, कोर्क कैम्बियम में क्या हुआ है, पेरेनकाइमा मेरिस्टम में कन्वर्ट हुआ। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज पेरेनकाइमा सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टम, नहीं उल्टा लिख दिया ना, ये मेरिस्टम है जो पेरेनकाइमा से बने हैं, तो ये गलत है। वैस्क्युलर कैम्बियम डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल्स दैट डिफरेंशिएट, अगेन सही बात है, वो जो सेल्स बनाएगा वो डिफरेंशिएट कर जाएंगे फिर से, सही बात है। प्लांट ग्रोथ कैन बी डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट, नहीं, प्लांट ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है। फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स आर नेवर डिटरमाइंड बाय लोकेशन ऑफ सेल्स, गलत, फाइनली वो सेल क्या स्ट्रक्चर लेंगे उनकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कौन सी जगह जा रहे हैं वहां डिफरेंशिएशन करेंगे, शूट पे जा रहे तो अलग फंक्शन करेंगे, रूट पे जा रहे अलग फंक्शन करेंगे, लोकेशन बिल्कुल अफेक्ट करती है, तो गलत है। डिफरेंशिएशन इन प्लांट सेल्स आर क्लोज्ड एंड डिपेंडेंट ऑन पोजीशन, नहीं, प्लांट की ग्रोथ भी ओपन है, प्लांट का डिफरेंशिएशन भी ओपन है, क्लोज्ड नहीं है, क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। तो कितने स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पर इनकरेक्ट हैं, कितने स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पर इनकरेक्ट हैं, 4 स्टेटमेंट उस हिसाब से आपके पास इनकरेक्ट है ना। अच्छा पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, अभी जो फोर्थ है, प्लांट ग्रोथ कैन बी डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, प्लांट की ग्रोथ हम इनडिटर्मिनेट ही पढ़ते हैं ना, इनडिटर्मिनेट ही पढ़ते हैं, तो 4 इनकरेक्ट होने चाहिए, आंसर होगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल, अब ऐसा सिमिलर सा डायग्राम आपने एनसीईआरटी में देखा है, जो आपके मेरिस्टमैटिक सेल्स हैं वो सेल डिवीजन करेंगे और नया सेल बनाएंगे, ठीक है। इस फेज के अंदर क्या हो रहा है, बस प्लाज्मा ग्रोथ हो रही है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, और अगर वो आगे नहीं गया, एलोंगेशन पे नहीं गया, तो डिवाइड कर लेगा, है ना, इस तरीके से सर्कल, ये देखो ये रहा आपके सामने, मेरिस्टमैटिक सेल्स में प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती है, अगर वो एलोंगेशन तक नहीं गया तो वो वापस सेल डिवीजन कर लेगा घूम के, तो वही ये आ रहा है। तो 1 तो आपके पास प्लाज्मेटिक ग्रोथ है, देख लो 1 प्लाज्मेटिक ग्रोथ किस किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें है, अरे इसमें है, इसमें नहीं है,
इसमें है, ठीक है। अब देखो टू, अब ये नया सेल अगर इसके अंदर एलोंगेशन होगा तो ये एनलार्जमेंट की तरफ जाएगा, तो टू जो है एलोंगेशन दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, और टू मैच्योरेशन दे रखा है, तो आंसर तो बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। और थर्ड स्टेप में डिफरेंशिएशन के बाद मैच्योरेशन आता है, तो आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब कोई जैसे हेट्रोफिली लीव्स में दिख रही है, स्ट्रक्चर में चेंजेस दिखना, तो ये कॉटन, कोरिएंडर, बटरकप, लार्कस्पर सब में देखने को मिलता है, ऑल ऑफ दीज। आगे देखें एनवायरमेंटल हेट्रोफिली, दो तरीके के हेट्रोफिली आपके एनसीईआरटी में, एक एनवायरमेंटल है, एक डेवलपमेंट बेस्ड है। एनवायरमेंट हेट्रोफिली मतलब लैंड पर अलग दिख रहा है लीफ का स्ट्रक्चर, और एक्वेटिक हैबिटेट में अलग दिख रहा है लीफ का स्ट्रक्चर, है ना। ये हमें किसमें देखने को मिला है, बटरकप। अब डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी का, ये आपको बटरकप में देखने को मिला, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ आप लीफ का देख रहे हो, पहले लीफ छोटी है, फिर लीफ थोड़ी सी एक्सपैंड कर गई, ये डेवलपमेंट, जुवेनाइल से एडल्ट, एक लीफ है वो पहले जुवेनाइल है, प्लांट जुवेनाइल है, एडल्ट हो गया तो लीफ का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो ये जो हेट्रोफिली है ये डेवलपमेंट की वजह से आई है, एनवायरमेंट की वजह से नहीं आई है। डेवलपमेंट वाली हेट्रोफिली हमें कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर तीनों में देखने को मिलती है, बटर कप में नहीं। कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर तीनों में देखने को मिलती है, बटर कप में नहीं, बटर कप में एनवायरमेंटल होती है, तो आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। आगे देखें 34, बहुत फेमस डायग्राम, कई बार हमने इस पे क्वेश्चन देखे और इस पे बनते भी हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है, इसमें आपको डेवलपमेंट किसका दिखाया हुआ है, प्लांट के सेल का, एक सिंगल सेल का ऐसे डेवलपमेंट होता है, हर एक सिंगल सेल में। हम मैं यहाँ किसी टिश्यू, किसी ऑर्गन की बात नहीं कर रही, आप इस फिगर का जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया होता है ना, वहां रीड करना, एक पर्टिकुलर सेल की बात की हुई है कि सेल इस तरीके से पूरा ये लाइफ साइकिल, ये लाइफ जर्नी फॉलो करता है, आंसर होगा ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ आप देख रहे हो लीफ का सरफेस एरिया ज्यादा है और लीफ का सरफेस एरिया थोड़ा सा जैसे कम हो चुका है यहाँ पे, तो ये वो है कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में लीफ कैसी थी और एक्वेटिक में कैसी हो चुकी है, तो ये एनवायरमेंट की वजह से आने वाले चेंजेस है, है ना। तो ये एनवायरमेंटल हेट्रोफिली है, डेवलपमेंट नहीं है, और एनवायरमेंटल हेट्रोफिली हमें बटरकप में देखने को मिलती है, आंसर होगा सी। एनवायरमेंटल हेट्रोफिली हमें बटरकप में देखने को मिलती है, आंसर होगा सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36, इंट्रिंसिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज, कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर, ठीक है, और कुछ इंटरसेल्युलर फैक्टर्स जैसे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जेनेटिक फैक्टर्स हो जाएंगे, जेनेटिक फैक्टर्स हो जाएंगे और इंटरसेल्युलर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यहाँ पर हो जाएंगे, तो आंसर होना चाहिए मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। पर जो जेनेटिक को इन्होंने इंटरसेल्युलर बोला है, जेनेटिक तो इंट्रासेल्युलर है, जो जीन है, जो न्यूक्लियस है, जो डीएनए, वो एक सेल के अंदर है जो ग्रोथ रेगुलेट कर रहा है। हाँ, मतलब इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल में जा सकती है, बट वो एक सेल के अंदर है मेजरली, है ना, एक सेल के अंदर है मेजरली। तो यहाँ पर आंसर जाना चाहिए इंटरसेल्युलर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इंटरसेल्युलर है, वो इंट्रासेल्युलर नहीं है, दो सेल्स के बीच में, जेनेटिक इंट्रासेल्युलर है, तो आंसर उस हिसाब से सी होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 37, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर, सिंपल है, लार्ज नहीं है जी, सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन के, सिंपल सिंपल है, स्मॉल है, डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन के, आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38, एडनिन डेरिवेटिव। अब बात आ रही है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, पांच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आप पढ़ते हो, उसमें से एडनिन डेरिवेटिव, प्यूरिन डेरिवेटिव, आपके पास साइटोकिनिन है जिसका दूसरा नाम काइनेटिन है, तो आंसर होगा बी। आगे देखो जिब्रेलिक एसिड, तो जिब्रेलिक एसिड है टर्पीन डेरिवेटिव, याद रखना है कुछ चीजें आपको याद रखनी है। देखो इंडोल कंपाउंड ऑक्सिन होता है, एडनिन प्यूरिन डेरिवेटिव आपके पास साइटोकिनिन होगा, कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव आपके पास अब्सिसिक एसिड होगा, अब्सिसिक एसिड पिगमेंट डिराइव्ड है, कैरोटीनॉइड्स डिराइव्ड है, और जिब्रेलिक एसिड टर्पीन है, ठीक है। आगे देखो अब्सिसिक एसिड, अब्सिसिक एसिड अभी हमने बताया आपको कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव, पिगमेंट डेरिवेटिव है। आगे देखिए 41, काइनेटिन, काइनेटिन दूसरा नाम किसका, साइटोकिनिन, साइटोकिनिन क्या है, एडेनिन का कंपाउंड है। देखो सेम चीज पूछने के कितने तरीके हैं, तो आंसर क्या होगा बी। आगे देखो 42, गैशियस पीजीआर, इकलौता पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो गैशियस है वो इथाइलिन है, वो इथाइलिन है।
द पीजीआर दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट रिस्पॉन्स टू वूंड. बेटा याद रखना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या तो एक्टिवेटर होते हैं या इनहिबिटर होते हैं. जो वूंड को रिस्पॉन्ड करेगा मतलब वो स्ट्रेस में मदद कर रहा है प्लांट को टॉलरेट करने में. तो जो स्ट्रेस हॉर्मोन होता है वो आपका अपसीसिक एसिड होता है. तो आंसर क्या होगा? अपसीसिक एसिड. आंसर क्या होगा? अपसीसिक एसिड. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इथाइलिन. देखो आपका साइटोकिनिन, आपका ऑक्सिन, आपका जिब्रेलिन तीनों एक्टिवेटर्स होते हैं. आपका एब्सिसिक एसिड पक्का पक्का इनहिबिटर होता है. अब इथाइलिन ऐसा है जो एक्टिवेटर बी है, जो इनहिबिटर बी है, पर ज्यादातर इनहिबिशन का काम करता है. ठीक है, तो ये क्या है जी? ये बोथ प्रोमोटर एंड इनहिबिटर है, पर मोस्टली ये इनहिबिटर है. ये दोनों प्रोमोटर एंड इनहिबिटर है, पर मोस्टली ये इनहिबिटर है. प्रोमोटर क्यों है? क्योंकि आपका इथाइलिन डोरमेंसी बंद कर जर्मिनेशन करवाता है. इनहिबिटर क्यों है? ये सेनेसेंस करवाता है, ये अपसीशन करवाता है, इसलिए ये इनहिबिटर है. दोनों है, मेजरली इनहिबिटर है. ठीक है, चलो फिर आगे देखो जरा. हमारी ये बात डिस्कवरी थी, तो ये पांच हमारे पास पीजीआर है, इनमें से किस कितनों की डिस्कवरी एक्सीडेंटल है? यही तो बहुत अचंभे की बात है, बहुत ऐसे फैसिनेटिंग थिंग है प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स के बारे में, कि पांचों की डिस्कवरी एक्सीडेंटल थी. कोई डिस्कवरी करना नहीं चाह रहा था पर हो गई, तो ये पांचों की डिस्कवरी एक्सीडेंटल है. ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 46. कौन से साइंटिस्ट ने कहां से किसको डिस्कवर किया? देखो जो चार्ल्स एंड फ्रांसिस डार्विन थे, सबसे पहले इन्होंने कैनरी ग्रास की टिप में ऑक्सिन देखा था, कि ऑक्सिन का फंक्शन देखा था. इसको आइसोलेट करना अवीना की कॉलिप्टाइल टिप से एफडब्ल्यू वेंच ने किया था. कुरुसोवा जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने राइस में एक डिसीज देखी, फूलिश सीडलिंग डिसीज. राइस की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, बाद में इनको पता चला कि रूट में एक फंगस बैठा है जिब्रेला फ्यूजिगुराई, जिसकी वजह से बढ़ रही है. वहां उन्होंने जिब्रेलिन की डिस्कवरी करी. एफ स्कूग, ये एफ एस कूग नहीं है, ये एफ स्कूग है, स्पेस थोड़ा गलत आ गया. उन्होंने टबैको का कैलस जो ग्रो किया था, वहां से उन्होंने साइटोकिनिन की डिस्कवरी की. तो उन्होंने अपने मीडियम से साइटोकिनिन की डिस्कवरी की. ठीक है, काइनेटिन नाम उसको मिलर ने दिया था. बढ़िया, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 2, 4, 1 and 3. 2, 4, 1, 3 सी. आंसर क्या होगा? सी. आगे देखें क्वेश्चन नंबर 47. कजिन्स. Cousins confirmed the release of a volatile substance, ethylene. Cousins ने किसकी डिस्कवरी की थी? इथाइलिन. इथाइलिन कहाँ से डिस्कवर हुआ था? राइपेंड ऑरेंजेस से. और किसकी राइपनिंग की स्पीड बढ़ा रहा था? अनराइप्ड बनानास को. बनानास की राइपनिंग की स्पीड बढ़ा रहा था, इथाइलिन से रिलीज हुआ है. इथाइलिन है, ऑरेंज से रिलीज हुआ है, बनाना की राइपनिंग करवा रहा है. आंसर होगा डी. आंसर होगा डी. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48. मैच द पीजीआर विद द प्लांट विच प्लेड रोल इन देयर डिस्कवरी. ठीक है जी, ऑक्सिन की डिस्कवरी कहाँ से हुई है? अवेना की टिप से आइसोलेट किया. जिब्रेलिन हमें राइस में एक डिसीज मिली थी, फूलिश सीडलिंग डिसीज. साइटोकिनिन टबैको आपने देखा, और इथाइलिन ऑरेंज आपने अभी ये सारी चीजें देखी हैं. तो आंसर क्या होगा आपके पास? 4, 2, 1, 3 बी. 4, 2, 1, 3 बी. आगे देखें क्वेश्चन नंबर 49. अब्सिसिक एसिड वॉज इंडिपेंडेंट डिस्कवर्ड बाई 3 different researchers एंड नेम. 3 different researchers ने इसको एक साथ आइडेंटिफाई किया था और 3 अलग अलग नाम दिए थे. इनहिबिटर बी, अपसीशन 2 एंड डॉर्मिन. ये 3 नाम दिए थे, इनहिबिटर बी, अपसीशन 2 एंड डॉर्मिन. आंसर होगा सी. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50. द टर्म काइनेटिन वॉज गिवन बाय मिलर एटोल. स्पूग ने देखा था इसको टबैको में, नाम जो है वो मिलर एटोल ने दिया था. मुलर ने नहीं दिया था, कुरुसोवा ने नहीं दिया था, कजिन्स ने नहीं दिया था. अब वही बात है, आप इसको स्पेलिंग मिस्टेक मानेंगे या नहीं मानेंगे. मुल्लर नहीं है, मिलर है, पर हमारे पास एक नन ऑफ दीज भी है. मुल्लर नहीं है, उस हिसाब से तो मुझे डी देना चाहिए. एंड डी की स्पेलिंग मिस्टेक तो अब अलग साइंटिस्ट बन गया ना, मुल्लर अलग साइंटिस्ट बन गया. तो नन ऑफ दीज करेंगे उस हिसाब से, पर मिलर आंसर है. आप अपना मेन एग्जाम में देते वक्त याद रखना, मिलर एट ऑल आंसर है. ठीक है, ठीक है. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51. फूलिश सीडलिंग डिसीज जो राइस में देखी थी वो एक फंगस की वजह से थी, जिब्रेला फ्यूजिकोराई. अच्छा, ऑक्सिन कहाँ से आइसोलेट किया था और किसने किया था? बाय एफ डब्ल्यू वेंट. एफ डब्ल्यू वेंट ने कहाँ से किया था? ओट की टिप, एवेना ओट की कॉलियोप्टाइल टिप. एवेना ओट की कॉलियोप्टाइल टिप. ठीक है, आगे देखो 53. अगेन कॉलियोप्टाइल टिप की बेंडिंग आपको दिख रही है फोटोट्रोपिज्म. ये एक्सपेरिमेंट है, जिब्रेलिन प्रोड्यूस कर रहा है जी? नहीं, जिब्रेलिन कर रहा है जी? नहीं, ऑक्सिन कर रहा है पहली बार. ठीक है, ऑक्सिन की टिप है, ऑक्सिन की डिस्कवरी है या प्रोड्यूसिंग ऑक्सिन है. कोलियोराइजा से या कॉलियोप्टाइल से? बेटा कॉलियोप्टाइल से. कोलियोराइजा रूट में है और ये शूट टिप पे मिलता है, ये शूट टिप पे मिलता है, तो कॉलियोप्टाइल टिप पे मिलेगा आपको. कॉलियोप्टाइल टिप पे आपको मिलेगा ऑक्सिन. ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54.
54 ऑक्सिन सबसे पहले कहाँ से आइसोलेट हुआ था, ह्यूमन यूरिन, पहली लाइन है ऑक्सिन की, जो पूरा डिस्क्रिप्शन है उसमें पहली लाइन है। सिंथेटिक ऑक्सिन दो होते हैं, सिंथेटिक ऑक्सिन एक NAA और एक 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic एसिड, और NAA है नेप्थिलिन एसिटिक एसिड, ये दोनों सिंथेटिक है, और IAA और IBA नेचुरल है, ठीक है। ऑक्सिन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट यानी नेचुरल है, तो नेचुरल आपके पास क्या है, IAA या फिर IBA, दो नेचुरल होते हैं, एक IAA एक IBA, और दो सिंथेटिक है, टोटल चार है, ठीक है। आगे देखो, ऑक्सिन आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय, ऑक्सिन सेल डिवीजन करवाता है, तो आपको ग्रोइंग एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट में मिल जाएंगे, सिर्फ एपिडर्मल में नहीं मिलेंगे, साइलम सेकेंडरी सेल, साइलम डिफरेंशिएशन करता है ये, एंडोडर्मल सेल्स में भी आपको नहीं मिलेंगे बेटा, ग्रोइंग रूट एंड शूट पे मिलेंगे, क्योंकि ये सेल डिवीजन करवाता है, ठीक है। फिर देखो असर्शन रीजन, ऑक्सिन इज यूज्ड इन प्लांट प्रोपगेशन, बिल्कुल यूज किया जाता है, क्योंकि ऑक्सिन रूटिंग कराता है, यही तो बताया है कि कोई स्टेम कटिंग लोगे तो ऑक्सिन रूटिंग करवा देता है, इसलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज किया जाता है, स्टेम कटिंग्स में, तो बिल्कुल सही बात है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए 59, ऑक्सिन प्रमोट रूटिंग, इसको रूटिंग हार्मोन बोलते हैं बेटा, ये रूटिंग करता है स्टेम कटिंग में, ये रूटिंग करता है स्टेम कटिंग में, लेकिन सारे ऑप्शन रीड करो, ये रूटिंग भी करेगा, ये पाइनएप्पल में फ्लारिंग भी करेगा। देखो पाइनएप्पल की फ्लारिंग प्रमोट और इनिशिएट, प्रमोट ऑक्सिन करता है, अगर आता कि पाइनएप्पल में फ्लारिंग इनिशिएट कौन करेगा तो इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन ये है बेटा, आप रीड करोगे ना आपको ये छोटा सा डिफरेंस मिलेगा, पाइनएप्पल में फ्लारिंग इनिशिएट करना, उसका फ्रूट सेट बनाना वो इथाइलिन करता है, उसमें फ्लारिंग प्रमोट करना ऑक्सिन करता है, तो ये दोनों ऑक्सिन के काम है, आंसर होगा बोथ ए एंड। बोल्टिंग का मतलब होता है इंटरनोड लंबा होना, और बीट में जो बोल्टिंग है वो जिब्रेलिक एसिड करता है, वो ऑक्सिन नहीं करता, वो जिब्रेलिक एसिड करता है, ठीक है। आगे देखो दो स्टेटमेंट है, ऑक्सिन प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं ड्रॉप करने दे रहा, वो सेनेसेंस डिले कर देता है ना, इट्स डिले सेनेसेंस और अब्सीशन भी रोकता है। ऑक्सिन प्रमोट अब्सीशन ऑफ ओल्डर मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स, ये सही बात है बेटा, ऑक्सिन बहुत समझदार है, बहुत समझदार है, यंग फ्रूट्स का, यंग लीव का अब्सीशन नहीं होने देता, ओल्ड का होने देता है, यंग का नहीं होने देता, ओल्ड का होने देता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, आंसर सी होगा, दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, आंसर सी होगा। आगे देखो फिर से ऑक्सिन पे क्वेश्चन है, ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस करवाता है, करवाता है, प्रिवेंट नहीं करता, ये एपिकल डोमिनेंस करवाता है, आंसर ए होगा। क्वेश्चन 62, टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग, हमें क्या करना पड़ता है, डीकैपिटेशन, ये वर्ड है एनसीईआरटी में, टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग के लिए आपको डीकैपिटेशन करना पड़ेगा, शूट टिप कट करनी पड़ेगी, शूट टिप कट करनी पड़ेगी, आंसर होगा बी। आगे देखो 63, ऑक्सिन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, एक्ट एज हर्बिसाइड, बिल्कुल, क्योंकि डाइकोट वीड हटाने का काम करता है, सेल डिवीजन जाइलम डिफरेंशिएशन में भी मदद करता है, आंसर होगा डी, ये सारी ही चीजें कर रहा है, आंसर होगा डी। आगे देखो 2,4-D इज यूज, 2,4-D ऑक्सिन है, ये ऑक्सिन हर्बिसाइड की तरह यूज करते हो, क्यों, क्योंकि ये सेलेक्टिव वीडिसाइड है बेटा, ये एक्चुअली सेलेक्टिव वीडिसाइड है, ये सिर्फ डाइकोट वीड्स को किल करने का काम करता है, तो 2,4-D सिर्फ डाइकोट्स को किल करेगा, आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65, अब आ गए हम जिब्रेलिन पे, जिब्रेलिन प्रमोटरी प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, इनहिबिटरी नहीं है, प्रमोटरी है, आंसर होगा ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, देर आर मोर देन 100 जिब्रेलिन्स, है ना, ऑलमोस्ट 100 है, 100 से ज्यादा है, GA3 वॉज वन ऑफ द जिब्रेलिन डिस्कवर्ड, जी हाँ, जिब्रेलिक एसिड बेसिक होते हैं, नहीं बेटा नाम देखो, जिब्रेलिक एसिड, एसिड कैसे बेसिक हो सकता है, मिला ये हमें जिब्रेला फ्यूजिगुराई में था, फंजाई में मिला था, आंसर होगा सी, इनकरेक्ट क्या है, सी। आगे देखो जिब्रेलिन आर यूज्ड इन ग्रेप्स, ग्रेप्स में क्या करते हैं, उनकी स्टॉक की लेंथ बढ़ाता है, देखो अगर यहाँ पर एक बार बहुत सारे ग्रेप्स हैं, है ना, अब दूसरा गुच्छा आने से पहले अगर ये लेंथ बढ़ा देगा स्टॉक की, तो एरिया मिल जाएगा ना ज्यादा ग्रोथ के लिए, ठीक है, तो ये इंक्रीज करता है लेंथ, लेंथ गर्थ नहीं, लेंथ, ये ग्रेप्स में क्या करता है, लेंथ इंक्रीज करता है। अच्छा जिब्रेलिन क्या करेगा जी, डीले सेनेसेंस, आपका ऑक्सिन भी यही करता है, आपके यंगर पार्ट्स में सेनेसेंस डीले करता है, ओल्डर में करवाता है, जिब्रेलिन डीले सेनेसेंस, इसके बाद पढ़ते हो इथाइलिन, वो भी डीले सेनेसेंस, तीनों का काम है, याद रखना ऑक्सिन जिब्रेलिन साइटोकाइनिन, तीनों पार्थिनोकार्पी करते हैं, तीनों सेनेसेंस डीले करते हैं, ट्रिक है एक तरीके से, ठीक है, तो जिब्रेलिन डीले करेगा सेनेसेंस जी, डीले करेगा, दोनों प्रमोट वगैरह नहीं करेगा, डीले करेगा, ये सेनेसेंस डीले करता है, क्या करता है, सेनेसेंस को डीले करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69, असर्शन रीजन आ रहा है आपके पास, स्प्रेइंग जिब्रेलिन ऑन फ्रूट्स एक्सटेंड इट्स मार्केट पीरियड, जिब्रेलिन जो है बेटा अगेन सेनेसेंस डीले करता है,
है ना, इट डीले सेनेसेंस। अब सेनेसेंस डीले करेगा तो फ्रूट ट्रीज पे ज्यादा लंबे समय के लिए रहेंगे, जिसकी वजह से उनका मार्केट पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या जिप्रेलिन मार्केट पीरियड एक्सटेंड करता है? जी हाँ, क्यों? क्योंकि वो सेनेसेंस डीले करता है। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर होगा ए। आगे देखो इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब सीसिक एसिड माल्टिंग प्रोसेस करता है ब्रूइंग इंडस्ट्री में, नहीं जिब्रेलिक एसिड करता है। अब सीसिक एसिड स्पीड अप द मेल्टिंग प्रोसेस, नहीं यही जिब्रेलिक एसिड करता है। जिब्रेलिक एसिड स्पीड द मेल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। आंसर होगा डी, जिब्रेलिक एसिड माल्टिंग का प्रोसेस स्पीड अप करता है। आगे देखो जिब्रेलिन किसकी यील्ड बढ़ा रहा है आंख बंद करके? शुगर के। ये शुगर केन की लेंथ इंक्रीज करता है, और शुगर केन का जो लेंथ है, जो उसका स्टेम है, उसी में सारा शुगर है, वही बिकता है बेटा। तो अगर लेंथ लंबी होगी शुगर केन की तो यील्ड बढ़ेगा। तो ये लेंथ बढ़ाकर यील्ड किसकी बढ़ा रहा है? शुगर केन की। एप्पल में ये क्या करता है? शेप करेक्ट करता है ना, एप्पल्स की शेप करेक्ट कर शेप परफेक्ट करने का काम करता है। ग्रेप में भी जो है स्टॉक लेंथ इंक्रीज करता है, पर यील्ड ये शुगर केन की इंक्रीज करता है। ठीक है, आगे देखें, फिर से असर्शन रीजन आ रहा है आपके पास। जुबिनाइल कॉनिफर्स पे हम जिब्रेलिक एसिड डालते हैं, सही बात है। क्यों? क्योंकि इनकी मेच्योरिटी जल्दी आएगी, सीड प्रोडक्शन जल्दी होगा। अगर आप सीड प्रोडक्शन जल्दी करना चाहते हैं तो जुबिनाइल कॉनिफर्स पे जिब्रेलिक एसिड डाल दो, ठीक है, तो वो जल्दी मेच्योरिटी लाएगा और सीड जर्मिनेशन उसके अंदर हो जाएगा। जिब्रेलिक एसिड डीले सेनेसेंस एंड माल्टिंग पीरियड, गलत है। देखो सेनेसेंस तो डीले ये करता है, पर माल्टिंग पीरियड को ये डीले नहीं करता, क्विक करता है, माल्टिंग पीरियड को स्पीड अप करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है, आंसर सी होगा। असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है, आंसर सी होगा। फिर आता है बोल्टिंग। थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था जब ऑक्सीजन का क्वेश्चन कर रहे थे, इंटरनोड की लेंथ बढ़ना उसको बोल्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो बोल्टिंग में लीव्स येलो नहीं होती, नोड का एलोंगेशन नहीं होता, अर्ली मेच्योरिंग एंड सीड प्रोडक्शन, ये तो आपका वो है जो जुबिनाइल कॉनिफर्स पे हम स्प्रे कर रहे थे, वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वो उनमें अर्ली मेच्योरेशन लाएगा, सीड प्रोडक्शन करेगा। तो एक भी करेक्ट नहीं है, एक भी करेक्ट नहीं। अच्छा, जिब्रेलिक एसिड बोल्टिंग किस किस में करवाता है? बीट में, कैबेज में एंड प्लांट्स विद रोजेट हैबिट्स में, तीनों में। इन तीनों में इंटरनोड एलोंगेट करवाएगा, तीनों में बोल्टिंग करवाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 75, साइटोकिनिन की डिस्कवरी किस किस फॉर्म में ये डिस्कवर हुए थे? काइनेटिन। पहले किस फॉर्म में डिस्कवर हुए थे? काइनेटिन। काइनेटिन क्या है? मॉडिफाइड प्यूरिन है, एडेनिन है, ये पहले भी देखा है, ये दोबारा आ गया आपके पास। अच्छा, काइनेटिन किससे डिस्कवर हुआ था? ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म के डीएनए, एग से नहीं, ह्यूमन यूरिन से। तो ठीक है, पहला जो ह्यूमन में मिला था वो यूरिन से मिला था। कॉर्न कर्नल से जिएटिन मिला था, काइनेटिन नहीं मिला था। तो काइनेटिन ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म के डीएनए से मिला था, तो नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज होगा, 77 का डी होगा। आगे देखिए 78, इनमें से कौन सा साइटोकिनिन के लिए इनकरेक्ट है? आपको इनकरेक्ट बताना है, कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। काइनेटिन नेचुरली होता है, नहीं, याद रखना नेचुरली जियाटिन होता है, वो आपको जिया मेज मेज में से मिला था, इसलिए उसको जियाटिन बोलते हैं। काइनेटिन नेचुरल नहीं था। काइनेटिन वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम कोकोनट मिल्क, बेटा अगर आपको जाइलम टिश्यू कोकोनट मिल गया तो नेचुरली प्लांट में हो गया ना, उसको काइनेटिन थोड़ी कहेंगे, उसको जियाटिन कहेंगे, तो ये भी गलत हो गया। जिएटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट, गलत, जिएटिन तो होता है प्लांट में। जिएटिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन डीएनए, बिल्कुल भी नहीं, जिएटिन प्लांट से मेज से मिलेगा आपको। तो चारों ही इनकरेक्ट है बेटा, चारों ही इनकरेक्ट है, 4 के 4 इनकरेक्ट है यहाँ पे। आगे देखिए 79, नेचुरल साइटोकिनिन कहाँ पे सिंथेसाइज होगा? साइटोकिनिन का मेन काम क्या होता है? सेल डिविजन। तो जहां सेल डिविजन ज्यादा होगा वहां ज्यादा साइटोकिनिन होगा, रूट एपेक्स पे, शूट एपेक्स पे, है ना, यंग फ्रूट्स में। देखो डेवलपिंग शूट बड्स नहीं कहूंगी, या शूट एपेक्स पे मिल रहा है, पर एटलीस्ट ए और सी तो करेक्ट है, तो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। साइटोकिनिन किस में मदद करता है? क्लोरोप्लास्ट बनाना, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल की फॉर्मेशन करना। एलोंगेशन इन शुगर केन जिब्रेलिक एसिड करता है। सिंक्रनाइज्ड फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, ये इथाइलिन का काम है, ये इथाइलिन का काम है। फ्लारिंग प्रमोट करना ऑक्सिन का काम है, और इनिशिएट करना इथाइलिन का काम है। ठीक है, तो इसमें से साइटोकिनिन का एक ही काम है, क्लोरोप्लास्ट, सी से साइटोकिनिन, सी से क्लोरोप्लास्ट, याद रखना। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 81, इथाइलिन इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट बाय, बहुत लार्ज अमाउंट में इथाइलिन कहाँ बन रहा है? राइपनिंग फ्रूट में बन जाएगा, बन जाएगा। टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेसेंस, है ना, क्योंकि ये सेनेसेंस करवाता है, ये अब्सॉर्प्शन और सेनेसेंस दोनों करवाता है, तो वहां पर भी इथाइलिन होगा, होगा, ठीक है, वहां पर भी इथाइलिन होगा। न्यूली डेवलप्ड लीव्स में नहीं मिलने वाला, तो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है,
आगे देखो 82, इथाइलिन कोजेस डैश ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डैश सीडलिंग। इथाइलिन ना बेटा देखो कंफ्यूजिंग सा हार्मोन है, ये ग्रोथ इनहिबिटर भी है, ये प्रमोटर भी है, ठीक है। अब इसको हम प्रमोटर क्यों कहते हैं, क्योंकि डोरमेंसी ब्रेक करके जर्मिनेशन करवाता है, लेकिन जो इसकी ग्रोथ है ना वो हॉरिजॉन्टल है। इथाइलिन की जो ग्रोथ है वो हॉरिजॉन्टल है, तो इथाइलिन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है, एक्सेस स्वेल करेगा, एपिकल हुक बनेगा डाइकोट में, डाइकोट में। तो आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या होगा, सी। आगे देखो इथाइलिन क्या क्या प्रमोट करता है, सेनेसेंस भी करवाएगा, अपसीशन भी करवाएगा, बिल्कुल थिनिंग ऑफ चेरी वॉलनट है ना, सेनेसेंस करवाएगा, अपसीशन नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अपसीशन करवाएगा, सेनेसेंस नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दोनों नहीं करवाएगा ऐसा भी नहीं है, दोनों ही करवाएगा, सेनेसेंस भी करवाएगा, अपसीशन भी करवाएगा, दोनों 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 करवाएगा। आगे देखो इथाइलिन इन फ्रूट्स कॉजेस, अच्छा फ्रूट्स में इथाइलिन क्या करता है, फ्रूट्स में इथाइलिन क्या करता है, उनकी राइपनिंग करता है, उनकी राइपनिंग करवाता है क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन इंक्रीज करके। कौन सा रेस्पिरेशन, क्लाइमेटिक रेस्पिरेटरी रेट को, फॉल नहीं राइस, राइस राइस होगा क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन में, आंसर होगा बी, है ना, राइस होगा क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन में, आंसर होगा बी। आगे देखो 85, इसको इरेज करो, आगे देखो 85, इथाइलिन, इथाइलिन डोरमेंसी करवाता है, इथाइलिन डोरमेंसी ब्रेक करता है, करवाता नहीं है, डोरमेंसी ब्रेक करके सीड जर्मिनेशन करवाता है, तो नन ऑफ दीज होगा बेटा। यही तो खास बात है इथाइलिन की, कि लगता है कि इनहिबिट करेगा बट ये डोरमेंसी ब्रेक करके जर्मिनेशन करवाता है, ये डोरमेंसी ब्रेक करके जर्मिनेशन कराता है, यहाँ पर इथाइलिन जिब्रेलिक एसिड वाला काम कर देता है, तो आंसर होगा डी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 86, स्टेटमेंट आपको दे रखी है, इथाइलिन प्रमोट्स इंटरनोड या पिटियोल एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, बिल्कुल सही बात है। इथाइलिन हेल्प अपर पार्ट ऑफ शूट टू रिमेन अबव वाटर, सही बात है, क्योंकि जो अंडर वाटर प्लांट्स है उनकी इंटरनोड अगर लंबी होगी तो जो अपर पार्ट है वो पानी के ऊपर रहेगा, सही बात है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चे, आंसर सी होगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर सी होगा। आगे देखो फिर से इथाइलिन पे क्वेश्चन है, इथाइलिन आपकी रूट की ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन करवाता है, क्योंकि उसको एब्सॉर्प्शन सरफेस इंक्रीज करना है ना, तो ये रूट हेयर बनवाएगा क्योंकि उसको एब्सॉर्प्शन सरफेस इंक्रीज करना है, आंसर होगा ए। आगे देखो इथाइलिन इनिशिएट, मैंने बताया था आपको पाइनएप्पल में फ्लारिंग, मैंगो में फ्लारिंग ये इनिशिएट करता है, और पाइनएप्पल में फ्रूट सेट भी बनाने का काम है, सारे काम इथाइलिन के, ये सारे काम इथाइलिन के हैं। प्रमोट फ्लारिंग इन पाइनएप्पल, ये ऑक्सिन का भी काम है, तो सिमिलर से काम है, सिनर्जिस्टिक काम है यहाँ पे दो। आगे देखो मोस्ट वाइडली यूज सोर्स ऑफ इथाइलिन, हम किस सोर्स की फॉर्म में इथाइलिन यूज करते हैं, इथीफोन, इथीफोन, तो ये इथीपीन नहीं लिखना चाहिए था, फोन होता है। इट हेस्टन्स फ्रूट राइपनिंग इन टमेटो एंड एप्पल, जी हाँ, एक्वा सोल्यूशन की फॉर्म में रूट से एब्जॉर्ब किया जाता है, जी हाँ, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी दोनों चीजें सही है, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। इथाइलिन प्रमोट्स फीमेल फ्लारिंग क्यूकुम्बर के भी, क्यूकुम्बर के जो फीमेल फ्लावर्स है उनकी भी ग्रोथ करवाता है, उनकी ईल्ड भी इंक्रीज करता है, उनकी ईल्ड भी इंक्रीज करता है। इथाइलिन पाइनएप्पल की फ्लारिंग करता है, मैंगो में फ्लारिंग करता है, फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल करता है, एंड फीमेल फ्लारिंग इन क्यूकुम्बर भी करता है, तो आंसर होगा ए। इथाइलिन इसीलिए तो इतना कंफ्यूजिंग है कि मदद भी बहुत कर रहा है, ग्रोथ भी बहुत तरीके से कर रहा है, कुछ चीजें इनहिबिट भी कर रहा है, जैसे सेनेसेंस करवा रहा है, अपसीशन करवा रहा है, पर ग्रोथ भी तो कितनी सारी करवा रहा है, रूट हेयर बनवा रहा है, पाइनएप्पल में फ्लारिंग करा रहा है, मैंगो में फ्लारिंग करा रहा है, आपके क्यूक्यूम्बर के फीमेल फ्लावर्स में फ्लारिंग करा रहा है, रूट हेयर का फॉर्मेशन कर रहा है सर्फेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, डोरमेंसी ब्रेक कर रहा है, जर्मिनेशन करवा रहा है, अच्छे काम भी बहुत है इथाइलिन के, इंटरनोड एलोंगेशन करवा रहा है आपके अंडर वाटर प्लांट्स के अंदर, तो बेचारा अच्छा है, तो बुरा नहीं है वो, है ना। आगे देखिए अब सीसिक एसिड, अब सीसिक एसिड क्या है जी, ये तो पक्का पक्का इनहिबिटर है, इधर कोई कंफ्यूजन नहीं रहे बाबा, इधर पूरा इनहिबिटर है, हमको पता है ये बात, तो ये ग्रोथ हो मेटाबॉलिज्म हो ये दोनों का इनहिबिटर है, आंसर होगा ए, क्योंकि ये बिल्कुल रिस्क नहीं लेता, इसको पता है कि ये स्ट्रेस हार्मोन है, बाहर चल रहा है स्ट्रेस, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, सारी चीजें बंद करवा दो, सब चीजें बंद करवा दो, ये सब इनहिबिट कर देता है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 92, अच्छा ये सीड जर्मिनेशन होने नहीं देगा, डोरमेंसी ये भड़बड़ के करवाएगा, तो ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ, ठीक है। फिर देखो ए बी ए को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, क्यों, क्योंकि प्लांट को स्ट्रेस देता है, नहीं नहीं क्योंकि ये स्ट्रेस के टाइम रिलीज होता है और स्ट्रेस कंडीशन से फाइट करने में प्लांट की मदद करता है, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। ए बी ए स्टिम्यूलेट, ए बी ए क्या कहेगा, स्टोमेटा बंद कर दो, खुलवाएगा तो कभी भी नहीं, स्टोमेटा का क्लोजर करवाएगा, ओपनिंग नहीं करवाएगा, ये कहेगा अभी कोई टाइम नहीं है, बाहर बहुत आंधी तूफान है, बंद करो, सब कुछ बंद करो, स्टोमेटा भी बंद करो। आगे देखो 95,
इन मोस्ट सिचुएशन ए बी ए किसके एंटागोनिस्टिक है, जिब्रेलिक एसिड। ये तो रट्टा मार क्वेश्चन आने का चांस है। अब सीसिक एसिड किसका एंटागोनिस्टिक होता है, जिब्रेलिक एसिड। क्यों, जिब्रेलिक एसिड जर्मिनेशन करवाता है, डोरमेंसी तोड़ता है। अब सीसिक एसिड आपका जर्मिनेशन रोक देता है और डोरमेंसी करवाता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता है, मैम हम इससे इथाइलिन का एंटागोनिस्टिक क्यों नहीं कहते, इथाइलिन भी तो जर्मिनेशन करवा रहा है, इथाइलिन भी तो डोरमेंसी ब्रेक कर रहा है, बिल्कुल जिब्रेलिक वाले काम है, तो क्यों नहीं मैं अब्सिसिक एसिड को इथाइलिन का एंटागोनिस्टिक बोलती। क्योंकि बेटा आपका अब्सिसिक एसिड सेनेसेंस भी तो करवा रहा है, अब्सिशन भी तो करवा रहा है, और आपका इथाइलिन भी ये सारे काम कर रहा है। तो मेजरली बाकी सारे फंक्शन अगर आप देखोगे ना, तो जिब्रेलिक एसिड और अब्सिसिक एसिड और इथाइलिन के बहुत सारे फंक्शन सेम भी है ना, आप एंटागोनिस्टिक नहीं बोलते, लेकिन जिब्रेलिक एसिड के कंपैरिजन में अब्सिसिक एसिड बहुत चीजों में एंटागोनिस्टिक। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट आता है आपके पास फोटोपीरियोडिज्म। क्रिटिकल फोटोपीरियड से ज्यादा डे लाइट मिलने पर फ्लारिंग हो रही है, क्रिटिकल फोटोपीरियड से कम लाइट मिलने पर फ्लारिंग हो रही है, फोटो पीरियड पे हम तो डिपेंडेंट ही नहीं है। तो पहले टाइप के प्लांट कौन से हैं जिनको ज्यादा लाइट चाहिए, ये लॉन्ग डे हैं। जो दूसरे हैं जिनको कम लाइट चाहिए, वो आपके शॉर्ट डे हैं। और तीसरे जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, वो आपके डे न्यूट्रल है, वो आपके डे न्यूट्रल। ठीक है, आगे देखो, गिवन स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। सम प्लांट्स रिक्वायर अ पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट टू इंक्लूड फ्लारिंग, आपको उनको देना पड़ेगा लाइट। सम प्लांट्स आर एबल टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट, कुछ प्लांट्स जो हैं वो ड्यूरेशन को मेजर कर सकते हैं लाइट के एक्सपोजर के लिए। हाँ बिल्कुल, ड्यूरेशन देखते हैं कि कितने टाइम के लिए मिल रही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट फोटो पीरियोडिज्म के बारे में करेक्ट है, वर्नलाइजेशन के बारे में नहीं, वर्नलाइजेशन के बारे में नहीं। वर्नलाइजेशन सेक्शुअल मेच्योरिटी लाता है, लो टेम्परेचर में फ्लारिंग कराता है, पर पीरियोडिक टाइम के लिए लाइट मिलना वो फोटो पीरियोडिज्म में आता है। वर्नलाइजेशन में हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं, लाइट की नहीं। ठीक है, आगे देखो, फॉर डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट इतने चिल है ना, जैसे ब्लैक पेपर हो गया, तो इतने चिल है ना, उनका कोई कोरिलेशन नहीं है लाइट से, फर्क ही नहीं पड़ता। इन फोटो पीरियोडिज्म ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड मैटर ओनली, ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड मैटर ओनली, ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड मैटर, दोनों मैटर करते हैं। तभी तो कहते हैं बेटा शॉर्ट डे प्लांट अगर है, हमने माना कि उनको थोड़ी देर के लिए लाइट चाहिए, बाकी देर के लिए डार्क चाहिए, अगर मैं इनके पूरे डार्क पीरियड में एक बार के लिए उस प्लांट को टॉर्च दिखा दूंगी ना, फ्लारिंग नहीं होगी। तो हमें ये तो पता है उसको छोटा दिन चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि उसको अपनी रात अनइंटरप्टेड चाहिए। तो दोनों चीजें अफेक्ट करती हैं, लाइट का ड्यूरेशन भी और डार्क का ड्यूरेशन भी। ठीक है, आगे देखो फोटो पीरियड्स परसीव कौन करता है। देखो फ्लारिंग तो अभी होनी है, करवानी है, तो उस लाइट को परसीव कौन कर रहा है, लीव्स में फ्लोरिजन है, फाइटोग्रोम्स है, फाइटोक्रोम लाइट के प्रेजेंस में अपना पर्टिकुलर फ्लोरिजन बनाते हैं जिससे फ्लारिंग होती है, तो परसीव कौन करता है, लीव्स, याद रखना। फिर आते हैं वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन में क्या है, आपको लो टेम्परेचर की प्रेजेंस में फ्लारिंग करानी है, ये उस प्लांट की लो टेम्परेचर पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिपेंडेंस दोनों दिखाता है। फ्लारिंग भी बिना लो टेम्परेचर के नहीं होगी, और जितना कम टेम्परेचर दोगे उतनी अच्छी फ्लारिंग होगी, उतना ज्यादा नंबर में होगी। तो बेटा क्वांटिटी क्वालिटी दोनों वर्नलाइजेशन में अफेक्ट होती है, याद रखना। वर्नलाइजेशन कैन बी सीन इन, देखो आपको बताया, एग्जाम्पल दिए, वीट का, राई का, बार्ली का, तीन एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं कि इनकी ना दो दो वेराइटी आती है, एक स्प्रिंग वेराइटी आती है, एक विंटर वेराइटी आती है। स्प्रिंग वेराइटी को स्प्रिंग में लगाओ, विंटर से पहले पहले अच्छी खासी आपको हार्वेस्ट आ जाएगी। जो विंटर वेराइटी होती है उसको स्प्रिंग में लगाया तो क्या मिलेगा, उसको विंटर से पहले ग्रोथ करना है। अगर आप एक विंटर वेराइटी लो जो विंटर में अच्छी ग्रोथ देती है, उसको ऑटम में आप रूट करो, है ना, ऑटम में आप उसको लगाओ, वो आपको एक विंटर क्रॉस करने पर लो टेम्परेचर में बहुत अच्छी फ्लारिंग देती है। तो कहाँ मुझे वर्नलाइजेशन देखने को मिला, पहली बात वीट, राइस में नहीं ना, वीट में भी मुझे विंटर वेराइटी में मिला, तो आंसर क्या होगा डी। उसके सिवा वर्नलाइजेशन आपको बाइनियल प्लांट में भी मिलते हैं, बाइनियल मतलब दो साल जीते, पहला साल वेजिटेटिव ग्रोथ है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं है, दूसरे साल इनमें फ्लारिंग होती है जब इनको लो टेम्परेचर। तो बाइनियल का कौन कौन सा एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दे रखा है, शुगर बीट है और कॉटन है, शायद आपके पास शुगर बीट है, कॉटन है ना, कॉटन है, गेस कॉटन, शुगर बीट और कोरिएंडर है, पता नहीं तीसरा, दो तो शुगर बीट और कॉटन है, तो बाइनियल्स जैसे कि शुगर बीट आ जाएगा, शुगर बीट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एकदम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, सीड डोरमेंसी। कुछ सीड्स डू नॉट जर्मिनेट इवन वेन एक्सटर्नल कंडीशन आर फेवरेबल, बेटा अगर आपका सीड
उसने देख लिया कि यार बाहर तो कंडीशन फेवरेबल है नहीं, रुक जाओ अभी जर्मिनेट नहीं करते, ऐसे सीड को बोलते हैं कि वो सीड अभी क्वीसेंट स्टेज में है, अभी क्वीसेंट स्टेज में। लेकिन अगर आपके सीड ने देखा कि बाहर तो सब फेवरेबल है, कोई टेंशन नहीं है, सब फेवरेबल है, जो मुझे चाहिए सब मिल रहा है, पानी, लाइट, ह्यूमिडिटी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी वो जर्मिनेट नहीं कर रहा, मतलब वो डोरमेंट। अगर इंटरनल फैक्टर्स की वजह से आपका सीड जर्मिनेट ना करे, इसका मतलब वो डोरमेंसी में है। तो डोरमेंसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंट्रोल नहीं करता, एंडोजीनसली कंट्रोल होती है, विद इन द सीड कंट्रोल होती है। आंसर डी होगा, आंसर डी होगा, डी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 105। अब देखो इंटरनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे जैसे सीड कोट हार्ड है, जैसे एम्ब्रियो अभी मेच्योर नहीं हुआ, जैसे कुछ इनहिबिटरी केमिकल है जो सीड को अभी डेवलप नहीं करने दे रहे, जर्मिनेट नहीं करने दे रहे, वो इनहिबिटरी केमिकल क्या होगा। अभी आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ के आए हो, तो कौन है जो सीड की जर्मिनेशन को रोकता है, उसको डोरमेंसी में रखता है, अब्सिसिक एसिड, उसके सिवा फिनोलिक और पैरा एस्कॉर्बिक एसिड्स भी, ये तीनों ही ऐसे केमिकल्स हैं जो जर्मिनेशन नहीं होने देते, ठीक है। तो अब्सिसिक एसिड भी, फिनोलिक एसिड भी, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड भी। आगे देखिए 106, जर्मिनेशन क्यों नहीं हो रहा होगा सीड डोरमेंसी में। ऐसा इन्होंने लिखा नहीं है ना क्वेश्चन में, सीड डोरमेंसी नहीं लिखा है। अच्छा, हो सकता है सीड कोट हार्ड है, हो सकता है एम्ब्रियो मेच्योर नहीं है, हो सकता है कुछ केमिकल इनहिबिटर्स है, हो सकता है हार्श एनवायरमेंट है। बेटा इन्होंने ना डोरमेंसी वर्ड यूज किया, ना क्वीसेंट वर्ड यूज किया, इन्होंने कहा बस जर्मिनेशन नहीं हो रहा। तो जर्मिनेशन तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों की वजह से नहीं हो सकता, तो मुझे हार्श एनवायरमेंट भी इंक्लूड करना होगा इसमें, है ना। तो कितने ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, चार। चार क्वेश्चन अगर आपको बोलता ना कि जर्मिनेशन में नॉट अकर इन सीड डोरमेंसी, अगर वो आपको बोलता सीड डोरमेंसी में जर्मिनेशन नहीं हो रहा, तब आप बोलते तीन ही करेक्ट है, तब आप एनवायरमेंट नहीं इंक्लूड करते, तब आप एनवायरमेंट नहीं इंक्लूड करते। पर क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं बोला, तो मैं एनवायरमेंट इंक्लूड करूंगी, ठीक है। आगे देखें 107, सीड कोट डोरमेंसी। डोरमेंसी क्यों आई है, क्योंकि कोट बहुत हार्ड है। क्या क्या कर सकते हो, मैकेनिकल एब्रेशन यूज कर सकते हो, जैसे नाइफ से कट लगाना, इसको बोलते हैं स्कैरिफिकेशन, इसको बोलते हैं स्कैरिफिकेशन। आप किसी माइक्रोब की गट में डाल दो, डाइजेस्टिव एंजाइम से वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, और फिर उसको वापस सो कर दो सॉइल के अंदर, तो वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो केमिकल्स तो केमिकल इनहिबिटर को रोकेंगे, लेकिन मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो, effects of inhibitory substance on dormancy is removed by application of, सबसे पहले तो जिब्रेलिक एसिड डालो। अब सीसिक एसिड का एंटागोनिस्टिक कौन है, जिब्रेलिक एसिड। अगर जर्मिनेट नहीं होने दे रहा सीसिक एसिड, आप ऊपर से जिब्रेलिक एसिड डाल दो। एनसीईआरटी क्या बोलती है, जिब्रेलिक एसिड और नाइट्रेट्स, दो चीजें देती है नाइट्रेट्स। एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, दो तीन वर्ड्स हैं, जिस स्कैरिफिकेशन लिखा ना तो मुझे याद आ गया, तो मैं चाह रही हूँ आप लोग यहाँ पर रिवाइज कर लो, जिन्होंने फायदा उठाया इन क्वेश्चंस का, यहाँ तक आए हैं, पूरा किया है, तो उनको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए पूरी वीडियो देखने का, है ना। तो ये दो तीन वर्ड देखो याद करो, जैसे आपने देखा ना वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन में आपने क्या देखा कि टेम्परेचर कम करोगे तो फ्लारिंग होगी, टेम्परेचर कम करोगे तो फ्लारिंग होगी। अगर टेम्परेचर कम करने पर सीड जर्मिनेशन हो रहा हो तो, अगर टेम्परेचर कम करने पर सीड जर्मिनेशन हो रहा हो तो, इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, है ना। अब ये स्ट्रैटिफिकेशन वर्ड आपने इकोलॉजी में पढ़ा होगा, इकोलॉजी में पढ़ा होगा, जो लेयरिंग आपको इकोसिस्टम में देखने को मिलती है कि ट्री है, हर्ब है, शर्ब है, वो अलग चीज है, वो आपने देखा है, वो आपने सही देखा है, वो अलग चीज है। एक चीज आपको देखने को मिलती है स्ट्रैटिफिकेशन, जब टेम्परेचर कम होने पर सीड जर्मिनेशन। वही दूसरा वर्ड आपके पास आ रहा है, ये तो आपके पास हो गया सेकंड टर्म, जो मैं आपको बताना चाहती थी। इस चैप्टर में दो तीन टर्म आते हैं बेटा। तीसरा जैसे मैंने अभी आपको बताया स्कैरिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन मतलब आप सीड के सर्फेस पे स्कार लगा रहे हो, कट लगा रहे हो नाइफ से, मैकेनिकल एब्रेशन जो अभी आपने देखा, मैकेनिकल एबरेशन जो अभी आपने देखा। तो ये तीन चीजें हैं जो मुझे लगा आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो ये आपको आनी चाहिए, स्कैरिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, वर्नलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर हो गया, डन। और यहाँ पर आपने अपना प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी फाइनली कंप्लीट कर लिया, तो पूरी चीट शीट सीरीज डन। तो इस बार कमेंट सेक्शन में आएगा सीरीज कंप्लीट, कि हमने पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली, हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट हमारा कर लिया, कुछ भी नहीं बचा। आप लोगों की डेडिकेशन
के लिए मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ जिन्होंने सीरीज कंप्लीट नहीं करी बेटा, क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लो, पीडीएफ लो t.me/anandmani001, खुद से सॉल्व कर लो, बहुत बेनिफिट होगा ठीक है। तो इसी तरीके से लगे रहो, कुछ चिंटू नोट्स हैं उनको भी हम फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप लर्निंग।